हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉक के न्यू एपिसोड का। अब WWE ने पहले से इस एपिसोड के लिए एक टाइटल मैच, सेगमेंट्स और भी मैचेस अनाउंस करे हुए हैं। अब इन मैचेस में और इनके अलावा इस पूरे रॉक के एपिसोड में क्या दिखने वाला है, उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये रॉक का एपिसोड हेल इन अ सेल PPV से पहले आखिरी रॉक का एपिसोड होने वाला है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स डिवीजन से। तो WWE ने आने वाले एपिसोड के लिए आस्का वर्सेस लाना के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच अनाउंस किया हुआ है। अब लास्ट वीक लाना ने ये स्पॉट डुअल ब्रांड बैटल रॉयल मैच जीत के हासिल करा था। अब लाना कहीं ना कहीं आस्का के लिए सॉफ्ट अपोनेंट साबित हो सकती हैं, जिसका फायदा आस्का को इस मैच में मिल सकता है। वहीं हेल इन अ सेल PPV काफी नजदीक है, तो हो सकता है कि WWE इस मैच को नो रिजल्ट के साथ एंड करे, वो भी तब जब अलेक्सा ब्लिस इस मैच में इंटरप्ट करें। फिर इन दोनों के बीच हेल इन अ सेल PPV में ये मैच दिख सकता है, क्योंकि हेल इन अ सेल PPV से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड है, तो कोई नया अपोनेंट तो आस्का को मिलेगा नहीं। या हो सकता है कि आस्का हेल इन अ सेल PPV में अपना टाइटल डिफेंड ही ना करें। वहीं रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि शार्लेट फ्लेयर इस एपिसोड में वापसी करके आस्का के सामने कन्फ्रंट कर सकती हैं। अब लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में डाना ब्रूक मैंडी रोज ने नटालिया और लाना को एक टैग टीम मैच में हरा दिया था। अब नटालिया स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुकी हैं। वहीं वुमेन टैग टीम चैंपियंस शायना बेजलर और नाया जैक्स को शायद अब न्यू चैलेंजर मिलने वाले हैं, जो कि डाना ब्रूक और मैंडी रोज ही होंगे। इसी वजह से इस एपिसोड में शायना बेजलर और नाया जैक्स मिलके डाना ब्रूक और मैंडी रोज पर अटैक करती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं नाया जैक्स और शायना बेजलर के बीच कुछ टेंशन भी हमें यहाँ पे बिल्ड होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि लास्ट वीक डुअल ब्रांड बैटल रॉयल में शायना बेजलर ने भी नाया जैक्स को बाहर करने में और सुपरस्टार्स की हेल्प करी थी। वहीं अब न्यू डे के मेंबर्स जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन रॉ में ड्राफ्ट हो चुके हैं और दोनों ही रॉ टैग टीम चैंपियंस हैं। लास्ट वीक इन दोनों ने डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड को हरा दिया था, बट ये दोनों अब स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं। अब रॉ ब्रांड पर इन दोनों की नई फ्यूड मिज और मॉरिसन से शुरू होती दिखाई दे सकती है। इस फ्यूड की शुरुआत करने के सबसे अच्छा मौका मिज टीवी का सेगमेंट करके इसकी शुरुआत कर दी जाए। मिज और मॉरिसन एक हील टीम है और न्यू डे के लिए परफेक्ट अपोनेंट साबित होंगे। फिर हमें इनके बीच हेल इन अ सेल PPV में मैच दिखाई दे सकता है। अब WWE ने इस एपिसोड के लिए अलायस का म्यूजिक कॉन्सर्ट अनाउंस किया हुआ है। जैसा कि अलायस ने ड्राफ्ट में वापसी करके जेफ हार्डी पर गिटार से हमला करा था, इस अटैक की वजह से जेफ हार्डी ट्रिपल थ्रेट मैच हार बैठे थे, जिससे साफ है कि WWE इन दोनों के बीच फ्यूड की शुरुआत कर चुकी है। अब इस एपिसोड में हो सकता है कि जेफ हार्डी आके अलायस का कॉन्सर्ट को इंटरप्ट करें और फिर उनपे अटैक कर दें और खुद पर हुए अटैक का बदला ले सकें। वहीं मे बी WWE इस एपिसोड में इन दोनों के बीच एक मैच करवा दे, जिस मैच को अलायस जीतते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में वापसी करी है तो उनकी जीत तो पक्की ही बनती है। वहीं WWE ने इस एपिसोड के लिए फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट को अनाउंस किया हुआ है, जहां हमें हाउस के अंदर अलेक्सा ब्लिस ब्रे वाइट के साथ दिखाई दे सकती हैं। वहीं सेगमेंट में हो सकता है कि ब्रे वाइट अपने अगले शिकार के बारे में बता दें। इस एपिसोड के लिए WWE ने कीथ ली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच 1-on-1 मैच भी अनाउंस किया हुआ है। जैसा कि हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना लास्ट मैच रोमन रेंस के हाथों हार बैठे थे, अब ब्रॉन स्ट्रोमैन कीथ ली आमने सामने होंगे। इन दोनों के बीच रॉ के एपिसोड में हमें मैच दिख चुका है, जो कि नो रिजल्ट के साथ एंड हुआ था। दोनों बड़ी ही बुरी तरीके से एक दूसरे से बढ़ते दिखाई दिए थे। अब मैच तो अच्छा दिखेगा इन दोनों के बीच, बट मुझे लगता है इन दोनों के बीच चल रहे मैच में रेट्रीब्यूशन इंटरप्ट कर सकती है और आके इन दोनों पर अटैक कर सकते हैं, जहां मुझे लगता है कि अब की बार रेट्रीब्यूशन में ये दोनों शायद मार दे सकते हैं। अब आते हैं रैंडी ऑर्डन और ड्रू मैकइंटायर पर। तो हेल इन अ सेल PPV में इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच तो दिखना ही है। लास्ट वीक रॉ पर इनके बीच जबरदस्त मारधार देखने को मिली थी, जो कि फैंस को देखकर मजा तो आया होगा। अब PPV से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड है, तो इस एपिसोड में भी इन दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन दिखेगा। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से कौन रिंग में खड़ा रह पाता है और कौन ढेर हो जाता है। जैसा कि फिंड अब रॉ का हिस्सा है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि उनका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। क्या ड्रू मैकइंटायर होंगे या रैंडी ऑर्टन होंगे? तो हो सकता है कि फिंड इन दोनों में से किसी एक पर या तो अटैक कर सकते हैं, या कुछ ऐसी हिंट देंगे कि हमें पता चल जाएगा कि फिंड की फ्यूड किसके साथ आगे दिखने वाली है। तो फ्रेंड, ये सब दिखने वाला है हमें आने वाले रॉ के एपिसोड में। आई होप PPV से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड अच्छा हो और फैंस को पसंद आए। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।